संतुलन और पारदर्शिता होनी चाहिए। दिनेश शर्मा से हमारे संवाददाता ने दिल्ली में खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, ज्ञानोत्सव कार्यक्रम आज 2076 शिक्षा विदों को लेकर हुआ। साफ तौर पर यह कहा जाए कि डिग्री लेना कोई संस्कार नहीं है, एक शिक्षा धारण करना आज के कार्यक्रम के लिए बहुत एक बड़ी बात थी। क्या खास रहा उसमें? शिक्षा में नैतिकता का भाव हो, शिक्षा में एक संतुलन हो, पारदर्शिता हो, और शिक्षा में मौलिक जो अधिकार हैं उनके साथ साथ व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका भी पुट हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो विचार योग्य हैं। ज्ञानोत्सव का मतलब ही है कि तमाम तरीके की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग प्रदेशों में वो क्या हैं, उनको सब लोग अपने साथ अपने अपने प्रदेशों में लागू करें, और क्या चीज़ नया हो सकता है उसके बारे में लोग आपस में डिस्कशन करें, इसके लिए ज्ञानोत्सव का था। प्रदेश के लिए जो नई शिक्षा नीति आने वाली है कितना कारगर साबित होगा? निश्चित रूप में हम लोगों ने अभी एक कमेटी बनाई है, वो हमारी कमेटी पूरी शिक्षा नीति का परीक्षण करके अपने विचार केंद्र सरकार को भेजेगी। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरन आशीष के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली। और अब उन कंपनियों की बात कर लेते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन